मैंने उस दिन आपको बताया था जब आप आए थे, देखिए 16 संस्कार होते हैं और ये पुस्तक है, इसको हमने संस्कार विधि दिया है, इसका नाम है विषय हमने संस्कार विधि, है ना जी। सबको तिलक लगा दीजिए और दुपट्टे पर नहीं। तो ये संस्कार विधि है, 16 संस्कार होते हैं। अच्छा ये बताइए संस्कार क्यों करना चाहिए? हमारे माता पिता करते आ रहे हैं, हमारे गुरु करते आ रहे हैं, है ना, हमारे भगवान राम और कृष्ण दयानंद के संस्कार हुए, इसलिए करना चाहिए। तो संस्कार का अर्थ क्या है आपकी भाषा में समझाता हूँ। आप भोजन बनाती नहीं, और भोजन का स्वाद किससे बनता है? नहीं। क्या करते तो संस्कार बनता है? संस्कार जिसको हम कहते हैं छोंक लगाना, ध्यान देना। क्यों जी? जिस माँ का छोंक लगाने का तरीका जितना अच्छा होगा भोजन उतना स्वादु बनेगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि आपने 1 किलो सब्जी बनाई, ठीक है जी, और उसमें आपने 50 ग्राम घी या तेल लिया, उसमें और कम जीरा लिया, सबसे कम क्या डालते हैं जी, और शुद्ध मिल जाते थे बहुत कम भी है, पूरे सब्जी को सुगंधित करते, यही काम संस्कार का है, ठीक है। इसलिए हम संस्कृत में बोलते हैं इस भोजन को संस्कारित कर दो, अर्थात बढ़िया सा शौक लगा दो। तो ये 16 संस्कार हैं, 3 संस्कार जो होते हैं वो जन्म से पहले हो जाते हैं, गर्भाधान, कुंसवन और सिमंतोन। पर ये जो मुख्य संस्कार है जिसके लिए आप ये जो भी संस्कार कहते हैं, इसको आप जनेऊ कहते हैं, इसको हम उपनयन कहते हैं। क्या बोलते हैं? है ना, तो आपने भी उपनयन पहना, मैंने भी पहना, पता क्या है उपनयन बताओ? नयन के ऊपर जो पहना उपनयन है, अरे ये चश्मे को संस्कृत में उपनयन कहते हैं। क्या बोलते हैं संस्कृत को? संस्कृत में चश्मे को, है ना। अच्छा तनय, तनय नाम है ना, तनय कैसे, ये पता है इसका? तन से जो उत्पन्न होता है वो तनय, है ना। इसलिए एक शब्द आता है हमारे यहाँ सनातन, क्या बोलते हैं, जो आदि समय से चला रहा है उसका नाम क्या है? सनातन। और एक कहते हैं पुरातन, जो प्राचीन है वो पुरातन। इसलिए जो तन की बात है इसे समझा देता हूँ आपके शब्द का भी थोड़ा सा। तन होता है शरीर, है ना, और एक होता तना, तना जानते हो, है ना, वो जो शरीर का जो मुख्य भाग होता है उस वृक्ष का, उसका जो मेन होता है उसको तना बोलते हैं, मुख्य जो तन जाता है वो तना, तन से। तो इसलिए कहा एक शब्द आता है संतान, क्या आता है? संतान, जो अच्छी प्रकार से तनती है, फैलती है, उसका नाम क्या है? संतान। अब कुछ शब्दों का अर्थ समझा रहा आपको, है ना। तो इसलिए कहा गया कि जिस परिवार में संस्कार करके संतान का निर्माण करते हैं वहां तो संतान बनती है और वो पुत्र बन जाते हैं, है ना। और जिस घर में संतान नहीं बनाते हैं, है ना, संस्कार नहीं करते हैं, वहां क्या होती है पता? तनातनी, जानते हो तनातनी? तनातनी है, तनातन, तन तना तनी, जो तन है, जो तना है, है? उसको तनते खींचते है। इसलिए कहा कि संतान का फैलाव होता है तो सही प्रकार से कार्य हो जाता है। आइए कुछ मंत्र का और पाठ करेंगे। ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्जस देवमित्रिजम होतारम रत्नदातम ओम सनापिति वसुनवे अग्नि सुपायनो भव सजस्वाना स्वस्तये। ये जो हम पाठ कर रहे हैं इनका नाम स्वस्ति वाचन है,
और इन षष्ठी वाचन के मंत्रों में जो कहा जा रहा है कि परमपिता परमेश्वर हम अपने जीवन के अंदर स्वस्ति को प्राप्त करें। स्वस्ति का अर्थ क्या है? कल्याण करना। अभी एक बात कह रहा था, कहते कहते फिर मैं आपको बता दूं क्या कहा था। इसको क्या कहते हैं? उपनयन, है ना? क्या कहा था? उपनयन। तो आप थोड़ा तो इसलिए समझते ना, उपनयन का अर्थ करेगा उपनयन। तो उपनयन का अर्थ क्या निकला? उप पास में है, जो नयन हो वो उपनयन। अच्छा, आप दोनों बैठ जाओ तो आपसे प्रश्न करूंगा। कब आ गए? चलिए बैठ जाइए, मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ। बैठ जाओ, बैठ जाइए, कोई बात, बैठ जाओ। इसको इधर ले लो, हाँ जी। अच्छा ये बताओ, कौन व्यक्ति चश्मा नहीं पहनता, उपनयन नहीं पहनता? बोलो तो नहीं। और ठीक है, ये ठीक है, परीक्षा में लिखी है कि यदि आचार्य परीक्षा देगा तो इज्जत देगा, है ना? पास हो गया। देखो, दो तरह के व्यक्ति चश्मा नहीं पहनते, जिसकी आंखें अच्छी हो, जिसकी आंखें नहीं हो। खराब नहीं, नहीं, जिसकी आंखें नहीं हो तो जिसकी खराब हो, है ना, वो व्यक्ति चश्मा कौन कौन चश्मा नहीं पहनता? अच्छा बताओ, सही है, ठीक है। आपका मन है कि नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा घुमाव करता हूँ। तो उपनयन आंखें, और इसीलिए तनय ध्यान लेना, संसार में दो व्यक्ति यज्ञोपवीत नहीं पहनते, दो प्रकार के। एक तो सन्यासी, सन्यासी यज्ञोपवीत नहीं पहनता है, न वो सिखा रखता है। क्यों? क्योंकि वो उसका जीवन ही अग्निमय होता है, उसका जीवन ही अग्निमय होता है, उसकी आंखें अच्छी हो जाती हैं। ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ के बाद में संन्यास जब दीक्षा होती है तो वो यज्ञोपवीत पहनना छोड़ देता है, सिखा छोड़ देता है, क्योंकि उसका क्या होती है, उसको उसकी आंखें खुल जाती हैं, है ना, उसको ज्ञान चक्षु प्राप्त हो जाते हैं, तो वो यज्ञोपवीत नहीं पहनता। दूसरा व्यक्ति कौन है? हमारे यहाँ तीन वर्ण को द्विज कहा है, मैंने बताया था ना, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन दोनों क्या वाला द्विज बोला। क्यों बोला बताओ, मैंने क्या कहा था? दूसरी बार होता है। और एक और है जीव, उसका उसको भी द्विज कहते हैं। किसको बोलते हैं? मैंने बताया था आप दोनों को, पक्षी को द्विज बोलते हैं, पक्षी को भी द्विज बोलते हैं। क्यों? उसका भी दोबारा जन्म होता है। कैसे? पहले माँ की तरफ से और फिर अंडे से, ठीक है। इसलिए द्विज जो है किसको कहते हैं? ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को। जो जिसका दोबारा जन्म नहीं होता उसको शूद्र नाम दिया गया, अद्विज। जिसका दोबारा जन्म ही नहीं हुआ इसलिए उसको क्या बोलते हैं? शूद्र। जो तथाकथित जो शूद्र जो जातियां हैं वो शूद्र नहीं है। शूद्र वेद कहता है कि जन्म से सब शूद्र होते हैं और कर्म से द्विज बनते हैं। अभी तो हम जन्म से मान रहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, ठीक है। आप परंपरा निवारे पर कहेगा, परंपराएं भी बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए आप जो उपनयन पहन रहे हैं इसको उपनयन संस्कार कहते हैं, इसको यज्ञोपवीत क्यों कहते हैं? मंत्र बोला था अभी हमने, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम। यज्ञ का जो उपवीत है, उपवीत कहते हैं वस्त्र। ये यज्ञोपवीत एक और चीज याद दिलाता, ध्यान देना। हमारे यहाँ जब यज्ञोपवीत संस्कार परिवार में होता था, छोटे बच्चे का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का अलग अलग समय है, है ना, अलग अलग खान पान कहा गया। तो कहा गया कि जब संस्कार होता था तब एक बात करते थे, क्या कहते थे? वो आचार्य कहता था कि जैसे माँ अपने बच्चे को गर्भ में रखती है, ठीक है जी, ऐसे ही आचार्य भी अपने शिष्य को गर्भ में रखता है। और
गर्भ में रखते हुए ये जपे संस्कार देता है, जैसे माँ के नाभि से बेटे की नाभि तक क्या क्या जाते हैं, विचार जाते हैं, प्राण जाते हैं और भोजन जाता है। ऐसे ही आचार्य भी अपने गुरुकुल में करता था। तो जैसे आचार्य बनेगा वैसे ही शिष्य का निर्माण होता। तो जब ये जपे देता था तो कहता था कि देखिए इसके अंदर तीन धागे हैं। कितने धागे हैं इसमें? तीन। तो तीन धागे हैं और एक गांठ है, उसको ब्रह्म गांठ कहा। तो इसका अर्थ है कि अपने जीवन के अंदर जो कुछ तुमने प्राप्त किया वो तीन लोगों से प्राप्त किया, माता पिता और आचार्य। तो आचार्य परमात्मा भी है और जो गुरु यहाँ है वो भी है। इसलिए इन ऋण से उऋण होने का कार्य करना, मतलब जो तुमने उधार लिया है उसको वापस करना। कैसे करेगा वो वापस? का जैसे तुमने तुम्हारा निर्माण हो रहा है ऐसे ही जब तुम ग्रस्त में जाओ तो फिर संतान को निर्माण करोगे, माता पिता की सेवा करोगे तो उससे उऋण हो जाओगे। कहते हैं कि जो व्यक्ति विवाह नहीं करता वो कैसे उऋण हो? क्यों जी? तो कहा कि जैसे संतान का निर्माण करता है जो उऋण हो जाता है, और तो दो तगड़े संतान होती, एक होती है मुख से, एक होती है मुख से और एक होती है शरीर से। अर्थात जो विद्या के द्वारा भी जो शिष्य का निर्माण करते हैं वो भी संतान कहलाती है। और यहाँ पर आपके हमारे तीन संबंध हैं। अभी आपने मुझे संबंध कहा आचार्य और शिष्य का, शिष्य और आचार्य का पहला संबंध। दूसरा संबंध यहाँ पर पिता और पुत्र का, माता पिता का पुत्री के साथ में, ये खून का संबंध है। पहला आचार्य का विद्या का संबंध है। और तीसरा जो संबंध है वो पति और पत्नी का, पत्नी और पति का, ये त्याग का समर्पण का स्नेह का संबंध है। इसलिए आपको जो जो पीढ़ियां दी जा रही है, कई लोगों को भ्रम होता है कि ये जो कोई तो अछूत हो जाती है कुछ और कार्य करने से, नहीं। आपको पता हो मुझे औरंगजेब जैसे व्यक्ति ने कसम खा रखी थी इतने ये जो पीढ़ जब तक तोड़ नहीं लूंगा, सब लोग ये जो पीढ़ पहनते थे तब तक तोड़ नहीं लूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, या उसका एक दुष्टता का एक बहुत बड़ा दुष्ट प्रमाण मिलता है। तो ये जुपित की रक्षा आप कर रहे हैं, तो ये सबसे अंतिम है कि ब्रह्म की गांठ अर्थात परमात्मा का स्मरण करना। सीधा साधे प्रतिदिन आप गायत्री मंत्र का जाप करें और कुछ नहीं होता है। और गायत्री मंत्र का बहुत रहस्य है, क्योंकि जो यहाँ पर अभी हम मंत्र देंगे वो गायत्री मंत्र है। एक ये समझ लेना क्या कि ये जुपित जो है वो महिलाओं को भी दिया गया मध्य काल में, जो पौराणिक है, पौराणिक उनको मानते हैं जो पुराणों को मानते हैं। वेद कहता है कि पति पत्नी दोनों को यजुर्वेद पहनना चाहिए। अभी भी हम जो ब्राह्मण कथा कहते थे वो डबल ही जनेऊ पहनते हैं, पर ऋषि ने वेद ने मना किया है अपना यजुर्वेद सिंगल तीन, आप दूसरे का अधिकार क्यों छीनते हो? तो ये एक चीज है। और सबसे अंत में जो आपको मंत्र मिलेगा, मंत्र ऐसा नहीं जैसे कहते हैं गुरु गुरु कुछ भी कह दिया करें किसी को मत बोलना, मंत्र वो नहीं है जो सर्वहितकारी नहीं हो। तो मंत्र ये गायत्री मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। तो इस मंत्र का पाठ आपको करना रहता है, करना चाहिए।